यहाँ पर कुछ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इनकी हमारे पास क्या-क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो पहली चीज, हमारे पास द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आपके पास कैसे दी जाती है। द मैग्नेटिक फोर्स एफ इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय, आपके पास आ जाएगा क्यू, और आपके पास वी, यहाँ पर क्रॉस, और ये मेरे पास बी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया। ये मैग्नेटिक फोर्स की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में वेरी कर सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमारे पास क्योंकि साइन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, और साथ ही साथ -1 भी हो सकती है। तो ये जो हमारे पास फोर्स है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, मैक्सिमम, ये सब कुछ हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे हमेशा याद रखना, ये जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज जहां पर भी ट्रेवल करेगा उससे परपेंडिकुलर होगी, और साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, समझते हैं। मेरे पास इसका मतलब ये हो गया कि सपोज कि कोई पर्सन कहता है ये मेरे पास चार्ज की वेलोसिटी है और ये चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई बी, और ये वेलोसिटी भी आ गई। तो अब जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, आपकी फोर्स इस डॉटेड लाइन पे लगेगी, क्योंकि ये डॉटेड लाइन वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, ये डॉटेड लाइन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ पा रहे, मेरी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। कौन सी बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे लग रही है। हमारे पास इस वजह से आपके पास यहां पर दो चीजें आएंगी, और पहली चीज बच्चे हमारे पास क्या आएगी, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, ये मेरे पास जीरो हो जाएगा, और दूसरी चीज बच्चे एफ डॉट बी, एफ डॉट बी, ये भी मेरे पास जीरो हो जाएगा। अब इसमें प्लस टू के साथ साथ हम प्लस वन का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, पर अगर वो परपेंडिकुलर हुए तो हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं पी और क्यू, अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। सो वी हैव पी डॉट ऑफ क्यू, सो वी हैव पी डॉट ऑफ क्यू, सो वी हैव पी डॉट ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की जरा एप्लीकेशन देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट की हम जरा यहां पर एप्लीकेशन देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट की जरा हम यहां पर एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्या है इसकी एप्लीकेशन, इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है, जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन ये है कि टीचर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है, और मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स आपके पास यहाँ पर है, डब्बा आई कैप माइनस ऑफ 3J कैप, मतलब कि मुझे मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट नहीं पता। डब्बे का मतलब हमारे पास यहाँ पर कि ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास अननोन है, माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास 3J कैप आ गया, दिस इज ए 3J कैप। एंड जो वेलोसिटी है, और जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, दिस इज इक्वल टू
मेरे पास यहां पर है थ्री आई कैप प्लस ऑफ फोर जे कैप फॉर अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड inside the uniform magnetic field. यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये है और इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स ये है। तो मुझे यहां पर निकालना क्या है, फाइंड द मिसिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। मुझे यहां पर मिसिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स को निकालना है, मुझे यहां पर मिसिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स को निकालना। सॉल्यूशन हमारे पास यहां पर इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा जरा देखते हैं। हमारे पास क्योंकि ये फोर्स मैग्नेटिक और जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये आपस में मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो एफ डॉट वी आपके पास आपके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर एफ डॉट वी आपके पास यहां पर जीरो हो जाएगा। हमारे पास यहां पर एफ डॉट वी आपके पास यहां पर जीरो के बराबर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डब्बा आई कैप माइनस ऑफ थ्री जे कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किससे लेना है, इसका डॉट प्रोडक्ट बच्चा हमारे पास किसके साथ लेना है, वेलोसिटी के साथ। और वेलोसिटी मेरे पास क्या है, थ्री आई कैप प्लस ऑफ फोर जे कैप प्लस ऑफ फोर जे कैप इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास यहां पर आई डॉट आई, ये बच्चे हमारे पास यहां पर जीरो, ये जे डॉट जे ये भी हमारे पास वन। जिस बच्चे को नहीं पता, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता है, प्लस वन में सिखाया जाता है, जे डॉट जे वन होता है, और आपके पास के डॉट के ये भी हमारे पास यहां पर वन हो जाता है। तो I डॉट I वन, J डॉट J वन और K डॉट K वन। तो हमारे पास अगर ऐसा है, तो अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, I डॉट I वन। तो मेरे पास यहाँ पर डब्बा मल्टीप्लाइड बाई थ्री ये वन आ जाएगा माइनस, और J डॉट J यानी थ्री इंटू फोर तो ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। Therefore, मेरे पास यहां पर थ्री डब्बा इज इक्वल टू 12 एंड therefore आपके पास यहां पर अननोन डब्बे की वैल्यू कितने के बराबर है, 12/3 यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाती है, 4 के बराबर। क्वेश्चन समझ में आ गया। जी स्तुति बोलो बेटा। सर पहले तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट कराया था, अब आप डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो। चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। हमारे पास एक बार और समझा दो, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं, हमने जब कोई मैग्नेटिक फोर्स निकालनी, जब हमने क्या निकालनी बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी। स्तुति समझ में आ रही है बात, जब मुझे मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है तब मैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लेता। क्लियर होगी बात? Yes, अब जो हमारे पास F है, क्योंकि this is the result of V cross B, क्योंकि हमारे पास फोर्स V cross B का रिजल्ट है, इस वजह से ये फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हो जाती है और बच्चा हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, क्लियर होगी बात, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उनसे परपेंडिकुलर होते हैं। जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, फिर मेरी बात सुनो, जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, जैसे ये V और B, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो फोर्स है। ये फोर्स जो आपके पास आ रही है, ये किस किस के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। यस और नो, क्लियर होगी बात?
अब बच्चे हमारे पास ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, एंड फ्रॉम क्लास 11th, और क्लास 11th के अंदर हमारे पास वेक्टर का एक चैप्टर रहता है बच्चे। उसमें क्या बोला जाता है कि अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, क्या होंगे स्तुति, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, जैसे ये फोर्स और ये वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर है, ये पता लग रहा है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी को हम यूज करें, हमने फोर्स को निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया, फोर्स निकलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट से। अब ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आ रही है, तो इसका मतलब दो वेक्टर्स आपको मिल गए, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बच्चा हमारे पास जीरो आ गया, और फिर मेरे पास इसकी एक एप्लीकेशन आ गई। टीचर अगर आपको बोलता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स और मेरे को वेलोसिटी गिवन है, तो आपको ये बताना है कि इस फोर्स का ये मिसिंग कंपोनेंट क्या होगा, तो आप एक मेथड लगाओगे, आप एक तरीका लगाओगे, और ये तरीका आपके पास प्लस वन के वेक्टर के चैप्टर के अंदर से बच्चे आपके पास निकल कर आते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मुझे पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो। तो हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चे, जीरो। ये डॉट प्रोडक्ट को हमने जीरो कर दिया। तो ऐसा नहीं है स्तुति कि मैंने फोर्स को निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने फोर्स को निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट को तो यूज ही नहीं किया, मैंने डॉट प्रोडक्ट को यूज किया ये बताने के लिए कि जो आप फोर्स कैलकुलेट करते हो और जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आती है वो 90 डिग्री पे होती है, सिर्फ इसको बताने के लिए। आ रही है बात समझ में, आ रही है बच्चे बात समझ में, यस और नो, ठीक है बेटा। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने प्लस वन के अंदर ये किया था, प्लस टू के अंदर मैं भूल गया, ठीक है बेटा मैं बात मानता हूँ, लेकिन बात है बच्चे प्लस वन के अंदर। अब पॉइंट ये आ जाती है हमारे पास, हमने प्लस वन के अंदर कम या ज्यादा मेहनत की होती है और हमको लगता है कि शायद से ये प्लस टू में काम नहीं आएगा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायो में ऐसा चल भी जाता है कि वो किसी काम की चीज नहीं, उसकी नॉलेज किसी काम की नहीं, लेकिन प्लस वन की फिजिक्स पूरी तरीके से हमारे पास प्लस टू के काम आती है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास प्लस टू के अंदर बच्चे ये हमारे पास क्या आती है बच्चे, काम आती है। ये मुझे पता होना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स मुझे पता है कि परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। मैंने उस प्रॉपर्टी को एम्प्लॉय किया। अगर तुम्हें पता है कि सुई से बटन लगाया जा सकता है धागा, तो आप यूज करोगे ना आप उसको, हाँ या ना, तो हमने उस प्रॉपर्टी को वैसे यूज किया, ठीक है बेटा। सर इस क्वेश्चन में आपने ये तो लिखा नहीं कि ये दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। ये बच्चा आपके पास एक बड़ा सिंपलीफाइड चीज है, शायद से आप इस चीज को नहीं देख पा रहे हो। अगर मैंने आपको ये बात बोल दी कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर समझ, अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो ये बात बच्चे बिल्कुल कंफर्म होती है स्तुति बेटा कि आपके पास इस पे लगने वाली फोर्स आपके V और B के परपेंडिकुलर होती है। ये बच्चे मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दी, आपकी मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज विद नो एक्सेप्शन, ऑलवेज। ये आपको कल को कोई बताए या ना बताए, लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल चला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उस पर फोर्स लगी, तो ये बात श्योर होगी कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब बच्चा बोलता है सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका राइट हैंड रूल, आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सब फेल हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चे कि ये लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है फिर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, या फिर इस ढंग से नहीं पढ़ेंगे जिस ढंग से पढ़ रहे, ठीक है, ठीक है बच्चे। ये हमेशा कंफर्म है कि जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। यस सर जी,
किसी और बच्चे का डाउट? शाबाश मैम, किसी और बच्चे का कोई डाउट? हाँ रक्षित, क्या पूछा था बच्चे? सर ये जो क्वेश्चन का है ना, ये एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये मेरे पास एक फोर्स है और इस फोर्स का एक कंपोनेंट मिसिंग है और दूसरा कंपोनेंट पता, और जो चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स पता है, और टीचर बोल रहा है ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर जा रहा है तो मुझे अननोन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स बतानी है, अगर मुझे पता है। तो यहाँ पर मैं प्लस वन का डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही जा रहा है, देख ध्यान से समझ स्तुति राजे, अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बता, मैं तुझे एक बात बोलूं कि तेरे घर पे अभी मान लिया जाए किचन के अंदर स्तुति कोई सामान गिरा, वो सामान को तू कहाँ पे ढूंढेगी? जमीन पे ढूंढेगी या शेल्फ पे ढूंढेगी? वो गिरा और तूने सुनी है सिर्फ आवाज, बोल कहाँ पे ढूंढेगी उसको? सर जमीन पर। क्यों ढूंढेगी? तुझे पता है कि ग्रेविटी उसको नीचे लेके आएगी, तुझे पता है कि ग्रेविटी उसको नीचे, तुझे नेचर का लॉ पता है। तो राजे ऐसे ही एक कुदरती लॉ है कि अगर चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल चल रहा है और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी लग रही है, देख मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल चल रहा है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, चार्ज पार्टिकल मूवमेंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और इस पे फोर्स भी लग रही है, तो याद रखना ये फोर्स वेलोसिटी से 90 डिग्री पे लगेगी और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से भी कितने एंगल पे लगेगी? 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये रूल है, जैसे ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है रूल है, वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड का रूल है, ये मैग्नेटिक फोर्स का रूल है। ठीक है स्तुति? सर मेरा नहीं डाउट था ये। नहीं नहीं मैं तेरे को भी समझा रहा था, डाउट महक का मुझे पता है, सुधी बोली सर ने मुझे विलन बना दिया, नहीं मैं तेरे को समझा रहा था, मेरे को ये कि स्तुति कन्विंस हो जाए कि स्तुति को लगे नहीं सर जो बोल रहे हो ठीक है तब करके। ठीक है स्तुति? सर क्लियर है। अच्छा तो अब आ जाते हैं महक के ऊपर। महक अब ये लॉ हमारे पास अगर सेट है तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, ये सच है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये भी सच होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना। अब डॉट प्रोडक्ट बच्चे हमारे पास दो वेक्टर्स का क्या होता है, इसके अंदर याद रखना बच्चे आई डॉट आई वन होता है, आपके पास जे डॉट जे ये भी वन होता है, और मेरे पास यहाँ पर के डॉट के ये भी आपके पास क्या आ जाते हैं, तो मेरे पास आई डॉट आई वन जे डॉट और के डॉट के क्या होता है बच्चे आपके पास वन होता है, बाकी सब जीरो। अब देख आई डॉट आई वन कर दे, जे डॉट जे वन कर दे, बाकी को सोच ही मत, तो डब्बा इंटू थ्री, तो ये बच्चे पहली टर्म आ गई, माइनस थ्री इंटू फोर 12 आ गया, और याद रखना डॉट प्रोडक्ट के अंदर फाइनल आंसर में आई और जे नहीं आते, डॉट प्रोडक्ट में फाइनल आंसर में आई और जे आता ही नहीं, तो डब्बा 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3 डब्बा इज इक्वल टू 12 और डब्बा इज इक्वल टू 12 बाई 3 इज इक्वल टू 4, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, मैं पूछ रहे कोई ऐसी बात नहीं है, पूछो बेटा। यस सर। पक्का श्योर है बच्चे? पूछ ले आराम से पूछ ले, कोई ऐसी घबराने वाली नहीं सर, क्लियर है पक्का। हाँ रक्षित बच्चे बोल, क्या पूछना चाह रहा था बच्चे? सर बाद में पूछ लेंगे। अच्छा कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं। रक्षित बेटा क्या पूछना बेटा? रक्षित कुछ नहीं सर, देख ले कोई ऐसी बात नहीं है बच्चे, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है वो, पूछ क्या पूछना चाहता है। चलो बाद में सही, अभी पढ़ा लो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो मैं बच्चा हमेशा इसके अंदर से मानता हूँ, देखो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे तो चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज भाग दौड़ के अंदर करेंगे बच्चे, हो सकता है कि बच्चे अभी हम बोले कि नहीं नहीं चलो हम चल रहे चल रहे, लेकिन बात के अंदर बोले सर वो तो रह गया था, वो तो पॉइंट रह गया था बच्चे। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट, याद रखना बच्चे हमेशा द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, The work done by the magnetic force. The work done
by the magnetic force, the work done by the magnetic force, यानी कि बच्चा हमारे पास जो वर्क डन है किससे बच्चे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. अब इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑलवेज जीरो. द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर जीरो हो जाएगा. द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो एंड देयरफॉर और इस वजह से काइनेटिक एनर्जी of the charged particle inside uniform magnetic field never changes. Inside the uniform magnetic field never changes. 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 So the kinetic energy of the charge inside the uniform magnetic field never changes. ये बात बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ और ये चीज बच्चे आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग मिलेगी. इस बात को बच्चे आप कंपेयर भी करें. अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ with the electric force, अगर मैं इसको कंपेयर करूं with the electric force, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं with the electric force, तो याद रखना work done by electric force non zero है. आपके electric forces का work done non zero होता है, ये बात ध्यान रखना. और इस वजह से the work done by the electric force, the work done by the electric force is equal to change in the kinetic energy. तो ये बच्चा हमारे पास change in kinetic energy है, इसको हम compare कर रहे हैं, ये हमारे पास unit one electrostatics के साथ compare करके आपको ये बात पता है. यहाँ पे teacher अब आपको question पूछेगा घुमाने फिराने के लिए. वो आपको ये बोलेगा एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगी, उसने कितना वर्क डन किया, बोलोगे जीरो. मतलब क्या, तो आप बोलोगे इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं. फिर टीचर तुम्हें पूछेगा अगर तुम मैग्नेटिक फोर्स को हटाकर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दो वहां वर्क डन होगा और वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बिल्कुल होगी. ये कंपैरिजन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ये कंपैरिजन आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए. द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो. द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो एंड देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेवर चेंजेस. एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेवर चेंजेस. कैसे, हमारे पास यहां पर दो चीजें आती. सबसे पहली चीज मेरे पास वर्क डन, आपको मैं बताता हूं कि वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है और वो बच्चा हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट आपके पास यहाँ पर डीएक्स, ये वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होगा. या फिर वर्क डन का एक और फॉर्मूला, आप यहाँ पे डीएक्स को क्या लिख सकते हो बच्चे, तो आप लिख सकते हो एफ डॉट वी, क्योंकि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम. लेकिन एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए, यहां से देख के बताओ, मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए एफ डॉट वी किसके बराबर होता है, जरा देख के बताओ. मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए एफ डॉट वी किसके बराबर होता है बच्चे, ये तो जीरो होता है. और क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर जीरो है, आपके पास एफ डॉट वी आपके पास यहाँ पर जीरो है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो. और दूसरी, हमारे पास यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम रहती है, मेरे पास यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम रहती है. अगर आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, याद रखना, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन इज इक्वल टू, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. The work done is equal to आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. The work done is equal to मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. सो द वर्क डन इज इक्वल टू
मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, और इस वजह से क्योंकि वर्क डन जीरो है, देयरफॉर आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, द चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, आपके पास जीरो के बराबर। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सारी चीजें आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट तैयार कर। ये मेरे पास पहली डिस्कशन खत्म होती है। इसके बाद बच्चे हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं, और मेरी अब नेक्स्ट डिस्कशन क्या है ये आप समझते हैं बच्चे। सो ये अब मेरे पास नेक्स्ट डिस्कशन शुरू होती है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, जरा देखिए बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास यहाँ पर केस नंबर वन, तो मेरे पास यहाँ पर केस नंबर वन है, याद रखना बच्चे, व्हेन जब बच्चा हमारे पास वेलोसिटी वी, जब बच्चा हमारे पास वेलोसिटी वी इज परपेंडिकुलर, ये बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर है टू दी मैग्नेटिक फील्ड बी। अब सोचो बच्चे, वेलोसिटी वी मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर है, और इस पे लगने वाली फोर्स, और इस पे लगने वाली फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये तो हम बता ही चुके हैं, ये हम बता चुके हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होती है वो वेलोसिटी और बच्चे हम मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये केस नंबर वन है बच्चे, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल, अगर मेरे पास यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, इफ अ चार्ज पार्टिकल क्यू प्लस ऑफ क्यू इज ए इंसिडेंट, ये बच्चा हमारे पास इंसिडेंट है इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड बी, और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड बी विद विद वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, विद द वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास यहां पर क्या आएगी, द रिजल्टिंग पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज जो रिजल्टिंग पाथ है बच्चे चार्ज पार्टिकल का, इज सर्कुलर इन शेप, जो आपके पास पाथ बनेगा चार्ज पार्टिकल का वो सर्कुलर शेप का हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर शेप का बन जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर पाथ बनेगा बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर शेप का होगा। तो ये कैसे सर्कुलर शेप का बनेगा ये डिस्कस करते हैं, और हमारे पास और क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। पर ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया, एक मिनट के, मैं थोड़ा सा इसको सर्कल बना लू, ये देखिए ये सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल को हमने प्लेस कर दिया इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास यहाँ पर इनसाइड आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस का मतलब है मेरे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, चलो मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूं, आपकी मेहनत कम है मेरी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर,
चलो देखो। तुम्हारी भी तो है, हमने भी कॉपी भी बनानी है। खतरनाक है। तभी तो कहते हैं एक ये एक ऑफलाइन बैच के अंदर भी आती है कोमल, आप कुछ भी बोलो भाई उसका जवाब तैयार है। मैं मुझे तो अच्छा लगता है कि बच्चा ऐसे बोलता है, मुझे ऐसा नहीं कि मैं ऑफेंसिव फील करता हूँ, ये बच्चा खतरनाक है। ये बच्चा बोलता है सर ऐसे कैसे, हम भी तो है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो मेरी और तुम्हारी तुम्हारी दोनों की। तो हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो हमारे पास इनसाइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर इनसाइड है। अब ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में क्यों है जरा देखते। सपोज के मेरे पास यहां पर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा था। देखना बच्चे ध्यान से देखो, ये चार्ज पार्टिकल की यहां पर स्पीड कितने के बराबर है, तो आप लिख देते हैं वी मीटर पर सेकंड। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस ऑफ क्यू। अब बताओ इस पे फोर्स कैसे लगाओगे। अब आप राइट हैंड का थंब अलोंग दी वेलोसिटी निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कहां पर है बच्चे, इनसाइड। मेरे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये अंदर की तरफ है स्क्रीन के अंदर। तो जो मेरा पाम है वो ऊपर की तरफ, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहां की तरफ को लग जाएगी, तो हम इस पे बोलेंगे कि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ को लगी। अब ये देख, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कहां पर लग रही है, इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई वेलोसिटी, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर उठाएगी। ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ को उठाएगी। तो ये फोर्स ऊपर लग रही थी, चार्ज पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। और ये बच्चा अपनी स्पीड नहीं चेंज करेगा, ये अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्सेस जीरो, इसके काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। अब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स लग जाएगी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे पास यहां पर जो फोर्स आपके पास लग जाएगी, ये फोर्स बच्चा हमारे पास कहां की तरफ को लग जाएगी, तो हम यहां पे लिख देंगे कि ये फोर्स हमारे पास लग जाएगी इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। ये फोर्स हमारे पास लेफ्ट हैंड डायरेक्शन पे लग जाएगी, इससे ये चार्ज पार्टिकल उठकर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आ जाएगा। इससे हमारे पास यहां पर ये जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है, ये लेफ्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट की तरफ कर चलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, डायरेक्शन हालांकि चेंज होती रहेगी। हमारे पास स्पीड के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, हालांकि डायरेक्शन आपके पास चेंज होती जा रही है। अब इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। मेरे हाथ को देखो, पाम नीचे की तरफ है, पाम बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ है, इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग जाएगी। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग जाएगी, ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग जाएगी। फिर हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ को आ जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल घूम के नीचे आ जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास घूम कर आपके पास नीचे की तरफ को आ जाएगा। अब बताओ इस चार्ज पार्टिकल पे लास्ट फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, ये मेरे पास नीचे आ गया। जहां जहां फोर्स लगते रहेगी, चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। अब बताओ ये हमारे पास नीचे आ गया, फील्ड अंदर लग रही है, फोर्स कहाँ पे लग जाएगी, राइट हैंड साइड। ये फिर राइट हैंड साइड पे जाएगा, फिर गोल घूम के वापस आ जाएगा, और हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल मोशन कवर करता रहेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर इसकी तरफ फोर्स लगी, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी तरफ फोर्स लगी। ये फोर्स इस सर्कल के सेंटर की तरफ को लग रही है, इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस मेरे पास कैपिटल आर है। तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन के कैटेगरी में लिखें। तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे प्रेजेंट है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो वो चार्ज पार्टिकल गोल घूम जाए।
और ये आर रेडियस के अंदर घूम जाएगा। अब ये अब आपके बच्चे यहाँ पर मेरे से रिक्वेस्ट कि यार आप मुझे बताओ कि कोई फोर्स कोई बात जो आपको समझ में ना आई। जी शाबाश, कोई चीज जो आपको समझ में ना आई, कोई भी चीज, मेगा, महक, सिमरत, परनीत, कोई भी चीज जो आपको यहाँ पर ना समझ में आई हो, कोई भी चीज, ओशीन, सलोनी, आदित्य, बेटे गौरव, कोई भी चीज आपको जो ना समझ में आई हो हर्षुल, तो वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश जी स्तुति। सर बोल बोल। सर आपने यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो स्पेसिफाई की है फर्स्ट केस में, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है ना बच्चे, क्रॉस का मतलब अंदर होता है, यानी कि अगर जैसे तू लैपटॉप की स्क्रीन देख लिया तो ये अंदर की तरफ को जा रहा है, मेरी बात समझिए, जैसे तू ऐसे बैठी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड तुझसे दूर जा रही है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है राजे, और डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा जी, आउटसाइड होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर जा रही है? अंदर। मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये तेरे पास जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये लाल कलर नजर आ रहा है, ये इनसाइड जा रही है और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे करके गोल घूम, ठीक है बेटा? आगे बात समझ में बच्चे, आगे स्तुति चल। हाँ ठीक है नितिका, पूछ बच्चे। सर आपने फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाली है। तेरी आवाज थोड़ी सी कट गई, फिर से मुझे बता। सर जो आपने फोर्स की डायरेक्शन ली है वो राइट हैंड रूल से निकाली है। लेफ्ट हैंड से भी निकाल सकते हैं, पर मैंने कन्वीनियंट है जो इजी है, जो जल्दी निकल जाए, जो आपके पास जल्दी निकल जाए। आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो, ऐसे अपवर्ड लगी, फिर ऐसे इस तरफ को लगी, फिर ऐसे नीचे लगी, फिर ऐसे इस तरफ को लगी, लेकिन थोड़ा सा बच्चे उसमें हाथों का बच्चे ज्यादा मूवमेंट है, मेरी बात समझे। यहाँ पर देखो कितना आसान, ऐसे यहाँ पे लगी, ऐसे नीचे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हाथों की मूवमेंट कितनी ईजी है ना। ये देख चार्ज ऐसे जा रहा था, फोर्स ऊपर लगी, चार्ज ऊपर चला गया, इधर लगी, चार्ज इधर चला गया, नीचे लगी, चार्ज नीचे आ रहा है, इधर लगी। यहाँ पर जो हाथों की मूवमेंट है वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंट्रोल्ड है राइट हैंड से, हाँ या ना? बाकी तो होता मैं दूसरे से भी कर देता हूँ, पर ये इजी है बच्चे, इससे क्वेश्चन निकल जाएगा स्कूल के अंदर, है ना? हाँ ये स्कूल में आएगा आपको, कि आप ये बताएं कि जब वो आर रेडियस के अंदर ट्रेवल करेगा तो आपके पास यहाँ पर उसका रेडियस कैसे बनेगा। क्लियर? मैं आगे चलूं बच्चे, मैं आगे चलूं नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज हमारे पास आ जाती है कि अब अगर मैं इसको आगे की तरफ को प्रोसीड करता, अगर मैं इसको आगे की तरफ को प्रोसीड करता हूँ तो मेरे पास क्या सिचुएशन आती है, फोकस करती है। तो मेरे पास यहाँ पर बच्चे आगे की तरफ क्या सिचुएशन आती है, ध्यान से समझना। ये बच्चे हम यहाँ पर समझते हैं बच्चे, द मैग्नेटिक फोर्स, जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू आपके पास Q इंटू V इंटू B x in the center of the circular path and acts like, और ये बच्चे आपके पास act करता है, and it acts like the centripetal force, और ये बच्चे हमारे पास centripetal force की तरह काम करेगा। जो भी फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ काम करती है वो किसकी तरह काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और इस वजह से देयरफॉर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, याद रखना। मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू एम v square by r, centripetal force का formula होता है m v square by r, m v square by r। अब ध्यान से समझ, हमारे पास सबसे पहली चीज आपके पास क्या आ जाती है, the radius
ऑफ द सर्कुलर पाथ, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि बच्चा हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आपके पास किसके बराबर होगा? हमारे पास बच्चे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे निकलेगा? By using the concept, QVB is equal to MV square by R. Therefore, आपके पास V से ये V cancel, तो radius of the circular path is given by, this is given by MV divided by Q into V. तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? Now this is a MV divided by Q into V. ये अब मेरे पास one of the important formula निकल कर आ जाएगा. Now this is one of the important formula. MV upon QV. हमारे पास यहाँ पर formula किसके बराबर है? MV upon QV. तो हमारे पास ये formula किसके बराबर है? MV upon QV. This is a MV upon QV. इसको अब याद रखना है, MV upon QV. हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लेवल के जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें टीचर आपको मास देगा, वेलोसिटी देगा, चार्ज देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा और रेडियस निकालने को बोलेगा. कैसे? मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इफ वी हैव चार्ज ऑफ, if we have the charge of 2 microcoulomb placed inside magnetic field of bache aapke paas 20 tesla and moving, aur bache ye hamare paas move kar raha hai with the and moving with the velocity of, moving with the velocity of, aur kitne ki velocity hai aapke paas 4 into 10 ki power 6 meter per second with mass, जिसका मास बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है? विद द मास ऑफ 6 माइक्रोग्राम कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल. मुझे ये बताना है कि रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा. तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा, वी हैव आर इज इक्वल टू एमवी अपॉन क्यूबी. मेरे पास यहां पर मास की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 माइक्रोग्राम, 6 × 10⁻⁶ और 10⁻³, ताकि ये केजी हो जाए. इसके बाद बच्चे हमारे पास वेलोसिटी 4 × 10⁻⁶, नीचे मेरे पास यहाँ पर चार्ज, चार्ज बच्चे हमारे पास 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑफ 20 टेस्ला. तो हमारे पास ये 10⁻⁶ ये कैंसल होकर बच्चे हमारे पास 4, एक जीरो कैंसल होकर 5. तो हमारे पास इसका रेडियस कितना है? 6 × 10⁻² आपके पास 2 मीटर का आपके पास रेडियस है. तो 6 × 10⁻² का आपके पास यहाँ पे रेडियस है. मुश्किल क्वेश्चन है, पहले बताओ. मुश्किल क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यूबी. आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यूबी. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कल बनाएगा तो सर्कल का रेडियस किसके बराबर होगा? एम वी अपॉन क्यूबी. MV upon Q. याद हो जाएगा बच्चे, याद हो जाएगा बच्चे. नेक्स्ट बच्चे, अब मेरे पास यहां पर आपको इन चीजों पे स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी. अब जो मैं आपको बता रहा हूं उस पे स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी. हमको एक चीज पता है बच्चे, स्पेसिफिक चार्ज. मुझे एक चीज पता है बच्चे, यहां पर स्पेसिफिक चार्ज जिसको हम S से डिनोट करते हैं. This is the ratio of charge is to mass. ये बच्चा हमारे पास किसके रेशियो है? चार्ज इज टू मास के रेशियो. इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं. बहुत काम की चीज है. और मैग्नेटिज्म में तो खासकर और भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. अब देखो कैसे मैं जो आपको बोल रहा हूं इससे चौथी चीज नहीं हुई. याद रखना, आपको टीचर हमेशा इन्हीं तीनों चीजों पर क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा. हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए
तो आपके पास पहले प्रोटॉन और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ड्यूट्रॉन और तीसरा बच्चा हमारे पास अल्फा पार्टिकल। याद रखना चौथा पार्टिकल कभी नहीं आएगा। हमारे पास इस पे चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज है बच्चे क्यू, ड्यूट्रॉन पे भी क्यू, अल्फा पार्टिकल पे टू क्यू मास मास। हमारे पास इसकी वैल्यू है एम, ड्यूट्रॉन की है 2m और मास के बच्चे 4m। और फिर बच्चे मेरे पास चार्ज इज टू मास के रेशियो s, तो q बाई एम, q बाई 2m और बच्चे हमारे पास 2q बाई आपके पास 4। अगर आप इसको सॉल्व करो तो q बाई 2, यानी कि ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, याद रखना इन दोनों का स्पेसिफिक चार्ज सेम है, इन दोनों का स्पेसिफिक चार्ज सेम है, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज सेम रहेगा। मैं कहना क्या चाहूँ, मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको कहना चाहूँ, मेरे पास रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड, तो रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, ये रेडियस आपके पास किसके बराबर है, एम वी अपॉन क्यू, एंड दिस इज वी अपॉन क्यू बाई एम इन टू, या फिर बच्चे वी एस। होप सो तुमको ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जो रेडियस है ये आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है, वी क्यू बाई एम इन टू बी, जहां पर s मेरे पास स्पेसिफिक चार्ज, जहां पर s मेरे पास स्पेसिफिक चार्ज, जहां पर s मेरे पास यहां पर स्पेसिफिक चार्ज, फिर समझो जहां पर s मेरे पास यहां पर स्पेसिफिक चार्ज, इस बात को दिमाग के अंदर रखना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आए, ये जो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें दो से तीन क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। देखो कैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रोटोन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एंड बच्चा हमारे पास अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड द अल्फा पार्टिकल एंटर्स सेम मैग्नेटिक फील्ड, एंटर्स सेम मैग्नेटिक फील्ड बी विद सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड, यानी कि हम सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट रेशियो ऑफ द रेडियस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस, यानी कि बच्चे हमारे पास इन तीनों के रेडियस की रेशियो बतानी है, तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन रेशियो, रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन रेशियो, रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये कैसे निकले, तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ये कैसे निकले, ये मेरे पास आ जाएगा v अपॉन s b, प्रोटॉन के लिए मेरे पास v अपॉन s बाई 2 इंटू b रेशो, v अपॉन s बाई 2 इंटू b। अब ये बताओ मैंने कैसे लिख दिया और ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि तीनों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, मुझे रेडियस निकालना और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा बच्चे, स्पेसिफिक चार्ज, सारी चीजें बच्चे हमारे पास कौन कंट्रोल करेगा, स्पेसिफिक चार्ज, तो ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज देखो, ये देखो बच्चे मेरे पास यहाँ पर प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अगर s है तो ड्यूट्रॉन का कितने के बराबर है, s बाई 2, और बच्चे हमारे पास अल्फा पार्टिकल का भी कितना, s बाई 2, देखो बच्चे q बाई 2 m दिखाई दे रहा है ना बच्चे, q बाई m 2, q बाई m इंटू 2, तो डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 है, ये s है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है बच्चे वाली चीज, नीचे 2 भी आएगा और इस वजह से मेरे पास v, v और v कैंसिल, s b, s b, s b कैंसिल, तो मेरे पास 1:2:2 ये हमारे पास रेडियस की रेशियो आ जाएगी। जी महक पूछ बच्चे क्वेश्चन।
कुछ मैं कुछ बोल बोल, आवाज जा रही है, बोल बच्चे, बोलो बेटा। नितिका तेरा कोई डाउट बेटा? नो सर। महक बच्चे आवाज आ रही है? स्तुति तेरा कोई डाउट बेटा? नो सर। यहाँ पर बच्चे ये हाँ बोल बोल ना। टोन लेकिन फिर से बोल बच्चे। हेलो हाँ जी बोल बोल बोल। सर, आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल, तू बोल तो सही, तू धड़ल्ले से बोल, तू घबरा मत। रहने दो, आप अच्छा ठीक है, बाद चलो में आज पूछ हाँ लेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, ठीक।